बिग बॉस ओटीटी के घर की बात करें दोस्तों, तो बिग बॉस के घर के अंदर महेश भट्ट आए और महेश भट्ट के आने के साथ ही उन्होंने सबसे पहले फुकरा, फिर वो मिले मनीषा और एल्विश से, मिलने के बाद सीधा जिया से मिले और जिया से उन्होंने यही सवाल पूछा, बहुत ज़्यादा हंसती हो। इसके ऊपर जिया ने कहा, हाँ वो मेरा निकल ही जाता है। इस एक्शन को सुनने के बाद महेश भट्ट ने कहा कि बेटा दुख भी जो होता है ना, वो भी कभी कभी ज़रूरी होता है, और जो दुख है ना, जिस तरीके से तुम सबके सामने हंसती हो तो तुम सबके सामने रो सकती हो, इस तरीके से कल की तरह कोने में बार बार रोना सही नहीं है। दरअसल आपको बता दें, कल बिग बॉस के घर के अंदर जिया कोनों में छुप छुप कर बार बार रोती हुई नजर आई थी। अब महेश भट्ट घर के अंदर आए हैं तो आप जानते ही हैं कि कई चीज़ों को उन्होंने इनडायरेक्टली काफ़ी कुछ कहा है, जैसे कि बेबिका को उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया, फुकरा को मजाक में दो थप्पड़ लगा दिए, मनीषा को कहा कि तुम चुप रहा करो, और इसके बाद एल्विश को कहा कि तू फियरलेस आदमी है, और इसके साथ ही साथ जिया को भी एक हिदायत दे दी। वहीं बिग बॉस के घर के अंदर महेश भट्ट ने आने के बाद एक माहौल सा क्रिएट कर दिया है जिसमें सभी लोग एक बड़े आदमी की बात सुन रहे हैं। कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपका क्या कहना है इस बारे में। बिग बॉस के और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।